हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी की जो समस्या होती है उसके बारे में। पीसीओडी क्या होती है, क्यों होती है, क्या कारण है इसके, क्या लक्षण है इसके, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का हम यूज़ कर सकते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम में, जिससे कि आपकी पीसीओडी ठीक हो सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं कि पीसीओडी की समस्या क्या होती है। दोस्तों, पीसीओडी इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। यह महिलाओं में, फीमेल्स में, गर्ल्स में होने वाली एक आम बीमारी है, जिसके कारण उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी की समस्या क्या होती है, तो दोस्तों, पीसीओडी में जो आपकी ओवरीज रहती है, फीमेल्स में जो ओवरीज रहती है, उन ओवरीज में सिस्ट बन जाया करती है, जिसको ही बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। अब यह सिस्ट क्यों बन जाती है, तो एक मेल हार्मोन रहता है जिसका नाम रहता है एंड्रोजन। यह मेल हार्मोन है, पुरुषों में ज़्यादातर होता है, लेकिन जब भी किसी फीमेल में एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तब यह कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है पीसीओडी। अब एंड्रोजन महिलाओं में भी थोड़ी बहुत मात्राओं में हमेशा रहता है, लेकिन जब यह ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाती है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो जब भी किसी फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि उनके मेंसेस इररेगुलर हो जाते हैं। नॉर्मली 28 डेज का या 30 डेज का पीरियड होता है, तो उनको कभी कभी एक से डेढ़ महीना लग जाता है, दो महीने में उनके पीरियड्स आते हैं, ढाई ढाई महीने में भी उनके पीरियड्स आते हैं, दो महीने से ज़्यादा में भी पीरियड्स आते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है इररेगुलर मेंसेस। दूसरा लक्षण होता है एमेनोरिया। कई सारी ऐसी फीमेल्स रहती है जिनको तीन तीन चार चार महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है एमेनोरिया। तीसरा लक्षण होता है डिसमेनोरिया। तो जब भी उनको पीरियड्स आएंगे तो बहुत तेज दर्द होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है। पीसीओडी की समस्या में महिलाओं में ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी उनके पीरियड्स आते हैं लॉन्ग टाइम रुक के, तो यह पीरियड्स 15-15 दिन तक भी चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से रुके हुए थे। तो मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, लॉन्ग टाइम भी इनका पीरियड्स चलता रहता है। तीसरा नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वह है हर्सुटिज्म। अब जिन भी महिलाओं को, जिन भी गर्ल्स को, फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनको एक प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर। उनके चेहरे पर, दाढ़ी पर, मूछ पर बाल आने लगते हैं। जब भी आप किसी फीमेल्स को देखिएगा कि जिनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, मूछ पर बाल आ रहे हैं, हो सकता है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। इसको हर्सुटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो लक्षण होता है इसका, एक्ने। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होंगे, बड़े बड़े पिंपल्स होंगे, बार बार होंगे, और जब भी आपका पीरियड रुक जाएगा, लंबे टाइम तक नहीं आएगा, तो यह जो पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और पीरियड्स आ जाने के बाद में यह कम हो जाएंगे। साथ ही साथ पेल्विक पेन रहता है। जिन भी फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, उनको पेल्विक्स में, मतलब कि लोअर एब्डोमेन में हमेशा दर्द बना रहता है। नेक्स्ट जो इसका लक्षण होता है वह होता है इनफर्टिलिटी। अब जिन भी महिलाओं को, खास करके मैरिड वुमन्स को पीसीओडी की समस्या रहती है, उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है, वह कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेगनेंसी होने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, यह थे पीसीओडी के लक्षण। अब इनके कारणों की बात करते हैं कि पीसीओडी क्यों होती है। तो एक तो होता है इसका हार्मोनल इम्बेलेंस, कि अगर एंड्रोजन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है तो पीसीओडी की समस्या होने लगती है। साथ ही साथ दूसरा कारण होता है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ के चांसेस है, आप में डायबिटीज़ आपको ऑलरेडी है या होने वाली है, तो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तीसरा इसका कारण होता है मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओबेज है, मोटे हैं,
फीमेल्स खासकर अगर मोटी है तो आप में PCOD की समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट इसका कारण होता है आनुवांशिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही हो PCOD की, फैमिली में किसी को PCOD की प्रॉब्लम रही होगी, तो भी आपको चांसेस है कि PCOD आपको हो जाए। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से जिनका इस्तेमाल हम PCOD की समस्या में कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर काम करती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है वह सिम्टम्स के आधार पर काम करती है। तो आइए हम बात करते हैं कि PCOD के जो भी सिम्टम्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इररेगुलर मेंसेस और एमेनोरिया के लिए। इररेगुलर मेंसेस, अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है, टाइम पर नहीं आते हैं, साथ ही साथ आपको एमेनोरिया की भी शिकायत रहती है, दो दो तीन तीन महीने तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहली मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, इसका नाम है अशोका। अशोका के मदर टिंचर को इस्तेमाल करना है, 20-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर एमेनोरिया की शिकायत रहती है, पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आते या फिर इररेगुलर रहते, तो इस दवा के इस्तेमाल से पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, और अगर एमेनोरिया की प्रॉब्लम भी रहती है तो वह भी ठीक होने लगती है। साथ ही साथ आप दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम है सिकल कोर। सिकल कोर मेडिसिन को भी मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इररेगुलर पीरियड्स या फिर एमेनोरिया की शिकायत रहती है, पीरियड्स नहीं आते हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है पल्सेटिला। दोस्तों पल्सेटिला लक्षणों के आधार पर दी जाती है। अगर कोई पेशेंट, कोई फीमेल थोड़ी सी हेल्दी है, गोरी है, रंग उसका थोड़ा सा फेयर है, साथ ही साथ वो बहुत ही शांत स्वभाव की रहती है, गर्मी उसको ज़्यादा लगती है, हीट से उसको प्रॉब्लम रहती है, तो पल्सेटिला मेडिसिन भी PCOD की समस्या में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आप मदर टिंचर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 200 पोटेंसी में करेंगे लक्षणों के आधार पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डिसमेनोरिया के लक्षण के लिए। पेनफुल मेंसेस में अगर आपको PCOD की समस्या है, साथ ही साथ आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहली दवा आती है मैग्नीशियम फॉस। यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है, 6x पोटेंसी में आपको इसकी 4 से 6 गोलियां दिन में 3 बार रेगुलर लेना है। अगर आपको डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम नहीं भी रहती है, और अगर आपको डिसमेनोरिया है, पेनफुल मेंसेस की प्रॉब्लम है, तो भी आप मैग्नीशियम फॉस नाम की दवा को 6x पोटेंसी में 4 से 6 गोलियां टेबलेट फॉर्म में आती है, दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डिसमेनोरिया के लिए ज़ेंथोजाइलम। इसका भी इस्तेमाल आप 3x पोटेंसी में कर सकते हैं। अगर आपको पेनफुल मेंसेस की प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार, 2-2 गोलियां दिन में 3 बार इसकी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्ने की प्रॉब्लम के लिए। PCOD की समस्या में एक्ने की प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है, तो आप एक्ने अगर आपको हो रहे हैं तो आप काली ब्रोम 3x मेडिसिन को 2-2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह टेबलेट फॉर्म में आती है, बायोकेमिक मेडिसिन है। 3x पोटेंसी में काली ब्रोम नाम की मेडिसिन को 2-2 गोलियां दिन में 3 बार ले अगर आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं। अगर आपको हर्सुटिज्म हो रहा है, मतलब कि चेहरे पर बाल आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें। यह REPL कंपनी का 53 नंबर का ड्रॉप आता है। अगर चेहरे पर बाल आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं आपके चेहरे पर, तो आप REPL कंपनी के 53 नंबर के ड्रॉप को 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पी लीजिए। लगातार प्रयोग से आप देखेंगे कि जो चेहरे पर आपके बाल आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, वह धीरे धीरे झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर आपको ओवरीज में सिस्ट बन रही है, ओवेरियन ट्रबल्स हो रहे हैं, पेल्विक पेन बना रह रहा है, तो आप REPL कंपनी के 76 नंबर के ड्रॉप को 15-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पी सकते हैं। 15 से 20 बूंद, 15 भी ले सकते हैं। अगर आपको ओवरीज में सिस्ट बन रही है तो इस ड्रॉप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, REPL के 76 नंबर के ड्रॉप को। दोस्तों यह थी PCOD की समस्या के बारे में कुछ जानकारी और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर आनंद लेता हूं आज आपसे विदा, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक को लेके, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।